तो गाइस स्वागत है आपका मुजम्मिल खान के इस ब्लॉग चैनल में। तो ये जो मैं वीडियो आज डालने जा रहा हूँ, ये हमारी फर्स्ट वीडियो होगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मुंबई टू बैंकॉक जो हमने पूरा ब्लॉग शूट किया है। तो यहाँ मुंबई से जाने के टाइम, मतलब थाईलैंड जाने के लिए सबसे पहले हमें किन किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। तो देखिए, सबसे पहला तो ये है कि करेंसी एक्सचेंज आप यहीं से करा के लेके जाइए, क्योंकि करेंसी एक्सचेंज अगर आप एयरपोर्ट पे कराते हो या फिर आप वहाँ जाके कराते हो तो वो आपको थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि बैंकॉक एयरपोर्ट पे एक करेंसी चेक करते, कभी कभार चेक करते, कभी कभार नहीं भी करते। लेकिन आप अपने यहाँ से प्रिपेयर होकर ही जाइए, क्योंकि उन लोगों का सब मूड के ऊपर है। वो सारी चीज़ें कभी चेक करते, कभी कभी कुछ भी नहीं चेक करते। क्योंकि मैंने जाने से पहले बहुत सारी वीडियोस देखी, तो सब में ये बताया कि ये सारी चीज़ें लेके जानी है, करेंसी लेके जाना है 10,000 बाद, प्लस आपको होटल बुकिंग सारी, जितने भी दिन आप वहाँ रुकने वाले उतने दिन की होटल बुकिंग्स यहाँ से करके जानी है। बहुत सारी चीज़ें मैंने सारी चीज़ें देखी थी, तो मैं सब कुछ प्रिपेयर होके गया था। बट वहाँ जाने के बाद जब वीज़ा ऑन अराइवल के लिए हम लाइन लगा के खड़े थे, तो हमें पता चला कि भाई यहाँ तो अलग ही सीन है। तो सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा डिटेल में। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं टिकट से। तो जो टिकट है वो आप ऑनलाइन कहीं से भी बुक कर सकते हो। अगर आपके पहचान का कोई अच्छा एजेंट है जो आपको कम प्राइस में, कम फेयर में, एज़ कम्पेयर ऑनलाइन कम फेयर में करके दे रहा है, तो मैं तो बोलूँगा आप उससे ही बुक करवा लीजिए। या फिर अगर आपको ऑनलाइन सस्ता पड़ रहा है तो आप ऑनलाइन बुक कीजिए। टिकट तो आप खुद ही बुक कर सकते हो, कुछ इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एकदम ईजी है। विंडो सीट वगैरह के लिए कोई स्पेशल चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। कैसा रहता है, हमने रैंडमली सीट बुक कर ली, जो फ्री सीट है वो हमने बुक कर ली। अब जब हम बोर्डिंग पास के लिए जाते हैं तो हम थोड़ा जल्दी जाके वहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें विंडो सीट दे दीजिए, तो वो लोग फ्री में विंडो सीट हमें दे देते। क्योंकि आने के टाइम पर मेरे साथ ऐसे ही हुआ, विंडो सीट मैंने फ्री में लिया, मुझे कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ा। तो टिकट का ऐसा है, आप सारी टिकट आप अपना जो भी रिटर्न टिकट आपको निकालनी है, पहली बात तो ऑनलाइन ही सब निकालना है। आप वहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल पहले 15 डेज़ का मिलता था टूरिस्ट वीज़ा, अब उन्होंने 15 डेज़ से बढ़ाकर 30 डेज़ कर दिया है। मतलब अगर आप वहाँ पर अभी जाते हो बैंकॉक थाईलैंड आप जाते हो, तो आपको 30 डेज़ का वीज़ा मिलेगा, जो पहले 2000 बाद में जो आपको 15 डेज़ का वीज़ा मिलता था वो अब 30 डेज़ का हो गया है। तो अगर आपको 30 डेज़ रुकना है, या फिर हम तो 15 डेज़ ही रुके थे, तो हमने 15 डेज़ का रिटर्न टिकट ले लिया था। जैसे हम यहाँ से जो समझो हमने 1 तारीख को यहाँ से निकले, और रिटर्न हम आना था हमें 15 तारीख को, तो हमने रिटर्न टिकट बुक कर ली थी। रिटर्न टिकट बुक की थी हमने एयर इंडिया फ्लाइट से टिकट बुक की थी, जिसमें एयर इंडिया से हमने इसलिए किया था क्योंकि थोड़ा मील वगैरह उसमें रहता है, मतलब कंफर्टेबल भी है और मील वगैरह भी अच्छा मिलता है, वो हिसाब से हमने एयर इंडिया में किया था। और वो टाइम पे पहली बात तो जब हम चेक कर रहे थे, तो हमें सबसे पहली बात तो सबसे सस्ती एयर इंडिया ही पड़ रही थी, क्योंकि बाकी सारी गो फर्स्ट, इंडिगो या वो सब बहुत महंगी पड़ रही थी हमें। तो हमने सोचा कि भाई मेल भी इंक्लूडेड है, प्लस एयर इंडिया में प्लस पॉइंट ये भी है कि आपको लगेज 10 kg एक्स्ट्रा मिल जाता है। चेक इन बैग जो है आपका, चेक इन बैग में आप 30 kg लेके जा सकते हो, और आप हैंड बैग में 8 kg लेके जा सकते हो, और एज कम्पेयर अदर आपको हैंड बैग में 7 kg अलाउ है और 20 kg चेक इन बैग में। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि मेरा बैग वैसे भी 20 kg के ऊपर था, तो मैंने तो समझा उसका मुझे फुल फ़ायदा हुआ। तो हमने एयर इंडिया से टिकट बुक की, हमें डिस्काउंट भी मिला, हमने HDFC के कार्ड से पेमेंट किया था, तो उसके वजह से हमें कुछ एक टिकट के पीछे 2,500 रुपये का डिस्काउंट भी मिला। और देखिए, अगर आपको बैंकॉक जाना है तो आप स्वरभभूमि एयरपोर्ट के लिए टिकट बुक कीजिए। स्वरभभूमि एयरपोर्ट पे ही आपको उतरना है, वहाँ पे दो दो एयरपोर्ट है, तो आपको स्वरभभूमि एयरपोर्ट पे उतरना है। तो उसके लिए आप यहाँ से मुंबई टू स्वरभभूमि सर्च कीजिए, जो भी फेयर रहेगा आपको बताएगा। और एक तो अगर आपको और सस्ते में जाना है, तो आप यहाँ से कोलकाता ट्रेन से जा सकते हो, और कोलकाता से फ्लाइट पकड़ सकते हो, तो आपको एक फ्लाइट के पीछे 7-8 हज़ार रुपये का डिफरेंस मिलेगा। लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम उसमें जाता है, प्लस आपका ट्रेन का ट्रैवल जाएगा, तो इससे बेटर है कि आप मुंबई से ही जाओ।
बाकी जो कोलकाता में रहते हैं वो उनके लिए सही है, कोलकाता से वो डायरेक्ट जा सकते हैं वहाँ पे। लेकिन अगर हम यहाँ से कोलकाता जाएंगे फिर कोलकाता से वहाँ फ्लाइट पकड़ेंगे, बहुत मगजमारी उल्टा पुल्टा हो जाएगा सब। तो बेस्ट यही रहेगा कि आप मुंबई से डायरेक्ट फ्लाइट लीजिए, और कभी कभी वाया फ्लाइट होती है जो ज़्यादातर दिल्ली स्टॉप लेती है, तो इतना कोई इशू नहीं है। अगर आपको स्टॉप स्टॉप वाली अगर फ्लाइट मिल रही है जो दिल्ली रुक के जा रही है, तो भी कोई मुश्किल नहीं है, 1-1.5 घंटा रुकती है, ज़्यादा नहीं। अब बात यह है कि अगर आप फ्लाइट जल्दी बुक करते हो, जो 3-4 महीने पहले अगर आप बुक करते हो, तो आपको तो बहुत अच्छा फेयर भी मिल जाएगा, प्लस आपको ये स्टॉप वगैरह नहीं मिलेगा, डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी। हमने कुछ 1 हफ्ता 10 दिन पहले बुक किया था, तो कोई ऑप्शन ज़्यादा था नहीं हमारे पास। हमारे पास ज़्यादातर ये स्टॉप वाली फ्लाइट ही थी जो दिल्ली रुक के जा रही थी, और मतलब एयर इंडिया की सब फ्लाइट दिल्ली रुक के जा रही थी, तो ऑप्शन नहीं था कुछ, उसके लिए वही बुक करना पड़ा। तो अब टिकट का तो हो गया, टिकट अपने ऑनलाइन बुक कर ली, पेटीएम से बुक कर सकते हैं, मेक माई ट्रिप डॉट कॉम से बुक कर सकते हो, स्काई स्कैनर करके एक चीपेस्ट ऐप है जहाँ पे आपको सबसे कम अभी के टाइम पे सबसे कम फेयर आपको वहीं मिलेगा, वहाँ से आप बुक कर सकते हो। मतलब आपको जहाँ, मैं तो बोलूँगा आप 4-5 ऐप डाउनलोड करो, सब जगह चेक करो, जहाँ आपको सस्ता पड़े वहाँ से बुक कर लो। अच्छा, आप अगर टिकट बुक करते हो कोई भी ऐप से, तो उस पर आपको वहीं पर ऑप्शन मिलता है ट्रैवल इंश्योरेंस, ट्रिप सिक्योर करके ऐसा ऑप्शन देगा आपको कि आप अपने ट्रिप का इंश्योरेंस करा लो। तो आप वहाँ से इंश्योरेंस मत कराना, क्योंकि अगर आप टिकट के साथ इंश्योरेंस लेते हो तो वो आपको महंगा पड़ता है, 400-500 एक्स्ट्रा जाएगा, मतलब 800-900 रुपये का एक बंदे का इंश्योरेंस आएगा। तो वही आप क्या करो, पहले टिकट बुक कर लो, और मेक माई ट्रिप पे जाकर सेम वही 15 दिन के लिए आप इंश्योरेंस बुक कर लो अलग से। वो कैसे करते हैं उसके ऊपर भी एक मैं एक वीडियो बना दूंगा कि इंश्योरेंस हम कैसे खरीद सकते हैं मेक माई ट्रिप से, टिकट्स वगैरह का सब कुछ एक वीडियो मतलब पूरा करके बताऊंगा कि क्या कैसे करना है। तो वहाँ से आप इंश्योरेंस परचेज कर लो। इंश्योरेंस पर अभी हमारा दो काम हो गया, हमने टिकट बुक कर लिया, हमने इंश्योरेंस भी ले लिया, क्योंकि टिकट और इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस तो ज़रूरी है, पूछते हैं एयरपोर्ट पे। इंश्योरेंस के बाद एक सेकेंड दूसरा, हाँ इंश्योरेंस, अब हमने टिकट ले लिया, इंश्योरेंस ले लिया, अब हम जितना भी दिन बैंकॉक में रुकने वाले उतने दिन का हम होटल बुकिंग कर लेंगे। अभी ऐसा है कि हम सिर्फ बैंकॉक नहीं गए थे, हम पटाया भी गए थे, फुकेट भी गए थे, तो हम सब जगह 4-4 दिन, 5-5 दिन, 3-3 दिन ऐसा रुके थे। तो जैसा जो भी आपका प्लान है, जितना भी दिन आपको जहाँ भी रुकना है, तो आप वहाँ पर लोकेशन, नियर बाय लोकेशन, मतलब आपको देखना है कि आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा नज़दीक है, बीच वगैरह होटल से, कौन से होटल से ज़्यादा नज़दीक है, तो वो सब आप देखकर मेक माई ट्रिप ऐप से आप बुक कर सकते हो होटल्स। मेक माई ट्रिप पे ही आपको होटल्स एकदम सही मिलेंगे, मैंने बहुत सारे ऐप पे देखा था, बट मुझे मेक माई ट्रिप जितना कम तो कहीं नहीं लगा। बुकिंग डॉट कॉम हो गया, अगोडा हो गया, और भी बहुत सारे ऐप पे देखा, बट मुझे मेक माई ट्रिप वाला ही, मेक माई ट्रिप के ही प्राइजेस सही लगे। तो हमने सारे होटल मेक माई ट्रिप डॉट कॉम से बुक किए थे। हमने 3 जगह पे अलग अलग होटल, पहले हमने पटाया में एक होटल बुक किया, फिर फोकेट में किया, और एक होटल हमने लास्ट बैंकॉक में किया। अभी हम स्वरभूमि एयरपोर्ट उतर कर, हमारा प्लान था पहले बैंकॉक जाने का, फिर प्लान चेंज हो गया, हमने सोचा लास्ट में बैंकॉक घूमेंगे, तो पहला तो हम पटाया गए, तो पटाया में जो हमें होटल मिला बहुत सही मिला था, वो अपार्टमेंट टाइप में था, उसके ऊपर भी वीडियो एक बनेगी, और उसकी डिटेल्स भी वीडियो में मैं डाल दूंगा कि वो लोकेशन क्या है, वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर कैसे आपको वो ढूंढना है, वहाँ से आपको बस स्टेशन भी नज़दीक है, तो वो भी लोकेशन सारी मैं डालूंगा, सब शेयर करूंगा आपसे, कि आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, आप डायरेक्ट लिंक पर जाकर होटल्स वगैरह, डायरेक्ट जो भी होटल्स में हम रुके थे, हम वहाँ की वीडियोस वगैरह डालेंगे, तो आपको तो पता चल जाएगा कैसा है क्या है, तो आप डायरेक्ट होटल बुक कर सकते हो। तो होटल बुकिंग ऐसा है, आप पे कर सकते हो 1 रुपीज़ में, मेक माई ट्रिप पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आप बुक कर लीजिए होटल, और 1 रुपीज़ में आपकी बुकिंग कंफर्म हो जाएगी। तो जब आपके आपका होटल का चेक इन का 2 से 3 दिन बाकी रहेगा, तो आपको पूरा पेमेंट करना है, पेमेंट आप ऑनलाइन तुरंत भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हमने सारा पेमेंट यहाँ से करके ही गए थे, अब जब वहाँ जाके भी करना ही है, तो हमने सोचा भाई यहीं से करके चलते, क्योंकि वहाँ थोड़ी मुश्किल हो जाती है, अपना नंबर वगैरह गूगल पे चला नहीं चला कुछ बोल नहीं सकते, तो इसके लिए सारे पेमेंट यहीं से करके गए थे। होटल पूरी बुक कर ली थी हमने 15 दिन के लिए, और होटल के सारे पेमेंट भी कर लिए थे सब। उसके बाद होटल के बाद, हाँ होटल के बाद हमारा चौथा पॉइंट करेंसी एक्सचेंज। तो अब करेंसी एक्सचेंज जो है, आप कोई भी ट्रेवल्स वाले से ले सकते हो,
अब ऑथोराइज जो है आप, मैं तो बोलूँगा उनसे ही लेना, ब्लैक में मत लेना। ब्लैक में भी ले सकते, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कैसा है वो बैंकॉक का जो स्वर्गभूमि एयरपोर्ट है वहाँ कुछ भी हो सकता है भाई। वो लोग कभी अगर आपसे करेंसी का बिल वगैरह मांग लिए, कभी ऐसा तो हुआ नहीं हमारे साथ, लेकिन अगर कभी मांग लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमने भी ऑथोराइज जगह से ही कराया था, तो हमने करेंसी एक्सचेंज कराया था एटलास, एटलास से कराया था, एटलास एटलास ट्रेवल से कराया था हमने। तो वहाँ से हमने कुछ 15,000 बाहर हमने लिया था पर पर्सन, पर पर्सन मतलब मैंने 15,000 बात और मेरे फ्रेंड ने 15,000 बात। तो जो भी करंट रेट चल रहा है उसके हिसाब से आपको मिलेगा, और उनके चार्जेस रहते हैं जीएसटी वगैरह टैक्स वैक्स लग के, अच्छा खासा बिल बन जाता है। करेंसी एक्सचेंज होने के बाद आपको एक इंटरनेशनल डेबिट कार्ड भी कैरी करना है। वैसे तो सारे डेबिट कार्ड इंटरनेशनल ही होते हैं, आपको बस एप्लीकेशन में जाके उनको ऑन करना पड़ता है, इंटरनेशनल यूजेज ऑन करना पड़ता है। बट अभी मेरे पास आईसीआईसीआई बैंक का मैंने इंटरनेशनल एक स्पेशल कॉरल करके कार्ड आता है, वो मैंने अप्लाई किया था। अब वो क्यों किया था, क्योंकि मुझे चाहिए था लॉन्ज एक्सेस, फ्री लॉन्ज एक्सेस। मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, और क्रेडिट कार्ड पे नॉर्मली मिलता है लॉन्ज एक्सेस, डेबिट कार्ड पे कुछ कुछ डेबिट कार्ड पे लॉन्ज एक्सेस रहता है। तो जैसे मैंने इंटरनेशनल कॉरल आईसीआईसीआई बैंक का डेबिट कार्ड अप्लाई किया था, जिसपे मुझे 8 लॉन्ज एक्सेस मिले। तो वो लॉन्ज एक्सेस जो है आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, इंटरनेशनल यूज़ कर सकते हो, इंडिया में भी यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, अगर आपका आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है तो मैं बोलूँगा कॉरल डेबिट कार्ड आप भी अप्लाई कर लेना, क्योंकि अपने मुंबई एयरपोर्ट के लॉन्ज एक नंबर है, उसके ऊपर भी वीडियो डालूंगा। जो जो लॉन्ज में हम बैठे थे उसके ऊपर भी वीडियो बनाई है हमने, वो भी वीडियो में डालूंगा। अडानी लॉन्ज में हम बैठे थे, उसका व्यूज़ वगैरह आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे कैसा क्या प्रोसेस है सब बताऊंगा वो वीडियो में। अब उसके बाद जो है हमारा यहाँ मुंबई का जो काम है, लास्ट काम एक ही बचा है, वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन का ऐसा है कि थाईलैंड गवर्नमेंट ने तो बोल दिया कि भाई हमें वैक्सीनेशन से कोई मतलब नहीं है, आओ डायरेक्ट, लेकिन मुंबई से आप नहीं जा सकते। आपको जब जाओगे आप एयर इंडिया के काउंटर पे, तो पहले तो वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ही मांगेगी। तो मेरा तो फर्स्ट सेकेंड और बूस्टर सब कम्प्लीट है, तो मुझे तो कोई इशू नहीं आया। मैंने उसको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिया, उसने मुझे बोर्डिंग पास दे दिया। तो आप वैक्सीनेटेड रहना, और वैसे भी वो आपकी सेफ्टी के लिए भी अच्छा है, आप वैक्सीन सारे लगा कर ही जाओ कहीं भी जा रहे हो तो। उसके बाद आप जो, अब आपका टिकट वगैरह सब कुछ हो गया, आपने आपने जो भी चीज़ें थी सब प्लान कर ली। अभी अभी आगे का ऐसा है, वहाँ पर जब आप स्वर्गभूमि एयरपोर्ट पे उतरोगे तो एक दिक्कत ये है, अगर आप बस वगैरह से ट्रैवल करने की सोच रहे हो, वहाँ की लोकल बस, तो जो मतलब डायरेक्ट बैंकॉक स्वर्गभूमि एयरपोर्ट से पटाया के लिए जो बस है, उसका भी भाई टाइमिंग है, शाम 7 बजे के बाद से बस है ही नहीं, आपको टैक्सी करके जाना पड़ेगा। तो अगर आप बस से जाने का प्लान है, तो आप अपना टिकट का, फ्लाइट का टाइमिंग ऐसा सिलेक्ट करो कि आप 7 बजे से पहले स्वर्गभूमि एयरपोर्ट पहुंच जाओ, तो आपको बस मिलेगी, जिससे आप 100 भात 150 भात में पटाया पहुंच जाओगे। नहीं तो फिर आपको पटाया के लिए कितना जाएगा, हमारा गया 1600 भात, हमने 1600 भात पे किया हम दोनों ने, हमें नहीं पता था ये सब चीज़ें, तो हमने 1600 भात पे किया वो टैक्सी का। टैक्सी वाले ने 1800 भात बोला थोड़ी बार्गेनिंग करके, लास्ट में 1600 भात में, 1600 नहीं सॉरी 1500 भात में डन हुआ, 1500 भात पकड़ लो अपने यहाँ का, 3,500 3,500 पकड़ ही लो, अंदाजा बता रहा हूँ। तो 3,500 हमारे इंडिया के गए, अगर हम जल्दी पहुंचते तो हम 300 भात में दोनों लोग पटाया पहुंच जाते थे, बट हम डिले लेट होने की वजह से हमारी जो लास्ट बस 7 बजे की थी, हम कुछ एयरपोर्ट पे 8 साढ़े 8 बजे पहुंचे रह गए। तो हमें पता सारे काउंटर्स बंद हो गए थे, एयरपोर्ट पे आपको काउंटर मिल जाएंगे, टैक्सी बुकिंग का काउंटर मिल जाएगा आपको, वहाँ पे बस बस के काउंटर्स मिल जाएंगे। तो 7 बजे से पहले आपको पहुँचना है अगर आपको बस से जाना है तो, या तो फिर आपको टैक्सी से जाना पड़ेगा। और होटल चेक इन, अब एक टॉपिक, एक पॉइंट होटल चेक इन भी है। आप जो भी होटल बुक करोगे, मेक माई ट्रिप पे देख लेना, उसमें सारी डिटेल आपको मिलेगी कि भाई चेक इन टाइम क्या है, चेक इन टाइम देख लेना। आपको सब कुछ एक प्लान आप पहले से अगर बनाते हो, प्लानिंग से चलोगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको अपना होटल चेक इन टाइम के हिसाब से वहाँ पहुँचना है, 3-4 घंटे पहले पहुँच जाओगे एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाएगा, तो 1 घंटा पहले पहुंचो तो चलो ठीक है, रिसेप्शन में वेट कर लिए, 4-5 घंटे पहले ना पहुंच जाओ, नहीं तो वहाँ बैठना पड़ेगा। वहाँ का चेक इन टाइम भाई 2 बजे का है, तो उससे पहले चेक इन नहीं है।
दोपहर के 2 बजे का वहाँ का चेक इन टाइम है, तो आपको वहाँ पे 12 से 1 बजे के टाइम पे पहुँचना है। उसके बाद वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट अगर लिया है, उनको बता देना भाई हम चिकन ही खाते, तो हमें चिकन ही चाहिए ब्रेकफास्ट में। और मेरा एक बोलना ये रहेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट आप नहीं लेना, उसमें आपका एक्स्ट्रा पैसा जाएगा, एक पर्सन के पीछे 300 भात तो जाएगा एटलीस्ट। उनका ब्रेकफास्ट ऐसा रहता है, मतलब आपको एक लिमिटेड क्वांटिटी मिलेगी, कुछ ऐसे बूफे उफे नहीं है जैसा रहता है ना अपने यहाँ पे होटल्स में। हम अगर कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट लेते तो मॉर्निंग में बूफे लगता है, उसमें से हम जितना चाहिए उतना खाओ, नाश्ता करो, वैसा कुछ नहीं है वहाँ। वहाँ का मतलब ब्रेकफास्ट का सीन बहुत बेकार है, तो आप कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट नहीं लेना, मेरा बोलना यही रहेगा। आप अपना वहाँ पर आपको 7-Eleven में सब कुछ मिल जाएगा, सुबह सुबह सब क्या 24 घंटा 7-Eleven वहाँ चालू रहता है, और हर 1 किलोमीटर बोलो आधा किलोमीटर पे आपको मिलेगा, आधा किलोमीटर क्या 300 मीटर पे, 300 मीटर पे 7-Eleven मिलेगा, हर जगह 7-Eleven है। तो खाने पीने का टेंशन 7-Eleven से सॉल्व हो जाएगा, जो भी चीज़ें आपको चाहिए 7-Eleven में सब कुछ मिल जाएगी। बाकी आप ये चीज़ें ध्यान रखिए, मेन वैक्सीनेशन हो गया, ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया, ट्रैवल इंश्योरेंस कैसे परचेस करना है उसके ऊपर भी वीडियो बनेगी, उसके बाद आपको टिकट कहाँ से बुक करनी है उस पर वीडियो बनेगी, एक कंप्लीट वीडियो बनेगी जिसमें टिकट को लेके, इंश्योरेंस को लेके, होटल्स बुकिंग को लेके मैं एक पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा ऐसे, मतलब स्क्रीन रिकॉर्ड करके, जिसमें बताऊंगा कहाँ से कौन से वेबसाइट से कैसे क्या करना है। उसके बाद जो मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ है, जैसे अभी हम जहाँ जहाँ पर गए वहाँ की वीडियोज़ मैं डालूंगा डिटेल में, प्लस आपको कैसे जो भी लोकेशंस है, जैसे बस स्टॉप की लोकेशन हो गई, आपको होटल्स की लोकेशन हो गई, सारी गूगल मैप की लोकेशन मैप से वो भी शेयर करूँगा, और जो भी चीज़ें हैं सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो आप आगे बने रहिए ये वीडियो को, अगर आपने पूरा देखा है तो मैं आपको दिल से थैंक यू बोलूँगा। मुझसे अगर कुछ भी आपको ऐसा लगा हो कि मैंने कोई पॉइंट मिस किया, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो फिर मैं आगे दूसरे वीडियो में उस पॉइंट को कवर करने की कोशिश करूँगा। और बाकी अगर कुछ आपको आगे वीडियोस में लगे कि भाई हाँ ये सही नहीं है या हमने सही से शूट नहीं किया, तो अभी पहली बार है, कुछ इतने प्रोफेशनल नहीं है हम लोग, किया है बस अभी स्टार्ट किया है, धीरे धीरे प्रोफेशनल भी बन जाएंगे। तो आगे मिलते हैं फिर अभी नेक्स्ट वीडियो में आपसे, जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें, अगर आपको कुछ भी लगता है जो पॉइंट मैंने मिस किया है तो कमेंट करके मुझे बताएं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।